नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दो दिनों में कहां कहां होगी बारिश, कहां होगी भारी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज भारी से भारी बारिश का अनुमान। कोंकण और गोवा में भी दो दिन काफी भारी बारिश की संभावना। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह बरसेंगे बादल। और बंगाल की खाड़ी में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। केरल, कर्नाटक और दक्षिण महाराष्ट्र में भी ऐसी ही तेज हवाएं चलने के आसार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में दो दिन भारी से भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मराठवाड़ा और विदर्भ में कल कुछ जगह गरज के साथ काफी भारी बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणांचल कर्नाटक में भी भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दो दिन अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। आज उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात में दो दिन, विदर्भ में कल कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश में आज तो केरल में दो दिन कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी कुछ जगह तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। बंगाल के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम खाड़ी में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिमी और मध्य अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल तेज हवाओं की वजह से लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र के तटों पर मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो समुद्र में ना जाएं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं अगले दो दिन देश के किन किन हिस्सों में भारी या बहुत भारी बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी दो दिन कई जगह बारिश हो सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह तो पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो आज और कल बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। झारखंड में आज कुछ जगह और कल कई जगह पानी बरस सकता है। ओडिशा में दो दिन कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल में आज कुछ जगह तो कल कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। जबकि उपमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में कई जगह तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश के आसार हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आज कई जगह और कल ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में दो दिन कई जगह बादल बरस सकते हैं। साथ ही पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में आज कुछ जगह तो कल कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में आज कई जगह तो कल अधिकतर इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण गोवा में आज और कल अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार हैं।
दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीयांध्र प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश हो सकती है। तेलंगाना में आज और कल कई स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। रायलसीमा में कुछ जगह बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणांचल कर्नाटक में दो दिन ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज और कल कई जगह बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी दो दिन अधिकतर जगह बारिश की संभावना जताई गई है। आइए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और कहां कहां पर तेज हवाएं चली। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में कई जगह तो उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। पंजाब में ज्यादातर जगह, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगह तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। विदर्भ और सौराष्ट्र कच्छ में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। कोंकण और गोवा में भी ज्यादातर जगह बारिश हुई। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह तो आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गांगी पश्चिम बंगाल में कई जगह, उपमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। झारखंड और ओडिशा में भी कुछ जगह तेज हवाएं चली। और अब मौसम खबर में आइए जान लेते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। गांगी पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगह, मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। कोंकण, गोवा और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी तापमान की यही स्थिति नजर आई। बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज हुआ। यहां तापमान रहा 40.3 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो सौराष्ट्र कच्छ और पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तापमान की यही स्थिति नजर आई। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने बारिश, हवा और इसके साथ साथ तापमान का हाल। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार।
देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं इस मौसम में अगर कृषि क्षेत्र में आप जो कृषि कार्यों की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, कौन कौन से कृषि कार्य आप ऐसे मौसम में कर सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिमी राजस्थान में किसान इन दिनों अरंडी और चारे की बुआई जारी रखें। पश्चिमी राजस्थान के किसान बाजरे की बुआई कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में बाजरे की बुआई पूरी कर लें। ग्वार, मूंग, राजमा, लोबिया की बुआई जारी रखें। राजस्थान में कपास की फसल में कीटों का खतरा हो सकता है। कीटों से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। इन दिनों भिंडी की फसल में रोग लगने का खतरा हो सकता है। अगर किसी तरह का रोग दिखाई दे या पत्तियां और फल पीले पड़ जाएं, तो विशेषज्ञ की सलाह लें। समय पर बोई गई मूंग, मोठ, तिल आदि फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का काम कर लें। पंजाब में किसान बासमती धान की नर्सरी का काम पूरा कर लें। यहाँ के किसान इन दिनों मूंग की बुआई कर सकते हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो पश्चिमी हरियाणा में धान की रोपाई पूरी कर लें। यहाँ के किसान मूली की बुआई भी जारी रखें। उधर झारखंड में लंबी अवधि वाली धान की रोपाई का काम कर लें। झारखंड के किसान मूंगफली की बुआई करते रहें। साथ ही मूंग, उड़द, तिल, अरहर और शकरकंदी की बुआई जारी रखें। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब आज की फसल में बात करते हैं तिलहन की खेती में तिल की। जी हाँ, इसकी खेती करके किस तरीके से अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी और किस तरह का प्रबंधन आवश्यक है तिल की खेती के लिए, आइए उसके लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। तिल के लिए हल्की रेतीली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। बुआई कतारों में करनी चाहिए, जिससे खेत में निराई गुड़ाई और दूसरे कृषि कार्य आसानी से हो सकें। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और गहराई 2 सेंटीमीटर रखें। हमेशा स्वस्थ बीजों का चयन करें। बीज का आकार छोटा होने की वजह से तिल को रेत, राख या हल्की बलुई मिट्टी में मिलाकर बोया जाता है। बोने से पहले बीज को कार्बेंडाजिम से उपचारित जरूर कर लें, क्योंकि तना और जड़ सड़न रोग के लिए बीज उपचार ही फायदेमंद है। बुवाई के 15 से 20 दिन बाद पहली और 30 से 35 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई कर लें। निराई गुड़ाई करते समय विरलीकरण कर पौधों की आपसी दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर लें। जीवाणु अंगमारी रोग होने पर स्ट्रेप्टोसोक्लीन का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है तो कई बार पत्तियों पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं, इसे चूर्णी फफूंद रोग कहते हैं। इसके बचाव के लिए पत्तियों पर घुलनशील सल्फर का छिड़काव फूल आने और फली बनने के समय करें। तिल को लगने वाला पत्ती मोड़क और फली छेदक कीट शुरुआती अवस्था में कोमल पत्तियों को खाता है और बाद में फूल, फली और दाने को चट कर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए फूल आने की अवस्था में 15 दिन के अंतराल में मोनोक्रोटोफास 36SL का छिड़काव करें। तिल में हॉक मॉथ की सूंडी पत्तियों को खाकर उन्हें खराब कर देती है, इसलिए कीट का प्रकोप नजर आते ही 5% कार्बोरिल की दर से भुरकाव करें। पौधों की पत्तियां जब पीली पड़ने लगें, तब फसल की कटाई तुरंत कर लें, वरना फलियों से दाने चटक कर जमीन पर गिर जाएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। ओडिशा में धान की रोपाई का काम करें। यहाँ रागी, मक्का और अरहर की बुआई जारी रखें। ओडिशा में मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली की बुआई करते रहें। असम में धान की रोपाई पूरी कर लें। असम में तिल, अरहर की बुआई और अरबी की रोपाई करें। असम के किसान केले में उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्का और जूट की तैयार फसलों की कटाई करें। असम में अरहर की बुआई करते रहें। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की,
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा अलग अलग क्षेत्रों में। बिहार के निचले और मध्य हिस्सों में धान की रोपाई का काम करें। बिहार के ऊपरी हिस्सों में अरहर की बुआई करें। छत्तीसगढ़ में अरहर और मूंगफली की बुआई पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान मक्का की बुआई भी पूरी कर लें। गुजरात के कच्छ में अरंडी की बुआई जारी रखें। कच्छ में मूंग, मूंगफली, ज्वार और बाजरे की बुआई करते रहें। कच्छ के किसान राजमा और तिल की बुआई भी कर सकते हैं। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी की आवश्यकता है फिलहाल मौसम को ध्यान में रखते हुए। अब आइए जान लेते हैं अगले दो दिन मौसम में क्या कुछ खास रहेगा। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में दो दिन भारी से भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मराठवाड़ा और विदर्भ में कल कुछ जगह गरज के साथ काफी भारी बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणांचल कर्नाटक में भी भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दो दिन अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। आज उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात में दो दिन, विदर्भ में कल कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश में आज तो केरल में दो दिन कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी कुछ जगह तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। बंगाल के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम खाड़ी में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिमी और मध्य अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल तेज हवाओं की वजह से लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र के तटों पर मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो समुद्र में ना जाएं। और मौसम खबर में अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर। फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मसाले के बारे में बता रहे हैं जिसे तड़के की रानी भी कहते हैं। कोई अगर इसे छू ले तो आंसू निकल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीखी लाल मिर्च की। मसाला